आग लगाओ। अरे चल जा रही है, चल जल्दी कपड़ा लपेटो। कोई बड़ा मायावी वानर है, जैसे जैसे उसकी पूंछ पर तेल से भिगोए वस्त्र बांध रहे हैं, वैसे वैसे उसकी पूंछ लंबी से लंबी होती जा रही है। जितनी पूंछ लंबी करेगा उतनी ही आग अधिक फैलेगी, उतना ही अधिक तड़पेगा। कितना मूर्ख है वानर जो ठहरा, मूर्ख तो होगा ही। हे अग्निदेव, यदि मैंने पति की अहिनिष्ट सेवा की है, यदि मेरे पति भक्ति में कोई खोट नहीं, यदि मुझ में तपस्या अथवा पतिव्रत धन का बल है, तो मेरे पुत्र हनुमान के लिए आप शीतल हो जाइए। जय श्री राम। देखिए स्वामी,
जिनका एक दूत अकेले ही आपकी सारी लंका नगरी को जलाकर राख कर सकता है, स्वयं उनकी शक्ति का विचार कीजिए। ये शकुन अच्छे नहीं है नाथ। मैं आपसे फिर कहती हूँ कि सीता सारी लंका का सर्वनाश करने आई है, उसे राम के पास वापस भेज दीजिए। अब भी समय है नाथ। मंदोदरी, वीर पुरुषों की पत्नियां उन्हें कायरता की शिक्षा नहीं देती। सिंह एक बार जो शिकार मार लेता है फिर उसे किसी के डर से वापस नहीं करता। लंकेश्वर विश्वकर्मा द्वारा रचित विशाल स्वर्ण लंका दहन करके जाने वाला वो वानर वानर नहीं था, एक प्रलय थी, भीषण झंझावात था, विनाश का साक्षात स्वरूप था जो लंका को विध्वंस करके चला गया। यह स्पष्ट संकेत है कि शत्रु प्रबल है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। लंकेश कभी असावधान नहीं रहता। असावधानी केवल इतनी हो गई कि उस मायावी मरकट को हमने जीवित छोड़ दिया। आप मंत्री गणों की राय पर। उसमें विशेष मंत्रणा राजा विभीषण जी की थी महाराज, क्योंकि विभीषण जी अपना घर जो बचाना चाहते थे। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे विभीषण पहले से जानता था कि हनुमान लंका में ऐसा उत्पात मचाएगा। महाराज, विभीषण जी आपके भाई हैं, उनके विरुद्ध कुछ कहा तो नहीं जा सकता, परंतु विचारणी बात यह है महाराज कि महाराज का महल, युवराज इंद्रजीत का भवन, मंत्रीगण प्रहस्त, अकंपन, राक्षस, कुंभ, महामंत्री, महापाश, सबकी विशाल अट्टालिकाएं अग्नि की लपटों से विध्वंस हो गई और विभीषण जी के मकान पर आज तक नहीं आई। मंत्रिमंडल का संदेह निराधार नहीं है पिताश्री। काका विभीषण की हम सबसे अलग थलग गतिविधि देखते हुए हमें तो संदेह होता है कि काका अपने हैं अथवा पराए। विभीषण की शिराओं में भी वही रक्त प्रवाहित हो रहा है जो तुम्हारे और लंकेश्वर के शरीर में है। विचारों के थोड़े से मतभेद के कारण कभी अपने पराए नहीं हो जाते। तात, अग्नि की लपटों से तो अशोक वाटिका में सीता भी बची रही। सीता को वो वानर रावण के लिए छोड़ गया। वो वानर तो क्या, साक्षात अग्नि देवता भी ऐसा साहस नहीं कर सकता जो रावण के हृदय में स्थान पा चुका हो उसका कोई अनिष्ट कर सके। साक्षात अग्नि देव भी इससे अधिक और क्या विनाश कर सकते थे महाराज। मानो चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रचंड कोप अथवा भगवान विष्णु का महान तेज वानर का शरीर धारण करके लंका में त्राही त्राही मचाने आया था। उसने सैनिक छावनियों को ध्वस्त कर दिया, शस्त्रागार भस्म कर दिए, सप्त धातुओं से निर्मित दुर्ग और चारों ओर सुरक्षा के लिए निर्मित परकोटे जला डाले। क्षमा करें लंकेश, परंतु मेरे विचार में ये सब कुछ आपकी अनुचित राजहट के कारण हुआ है। आज अलकापुरी को मात देने वाली लंका स्मशान समान हो गई है। घर घर में आर्तनाद गूंज रहा है, हाहाकार और चीत्कार मचा हुआ है। किसी स्त्री को पाने की इच्छा करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु एक स्त्री के लिए इतना मूल्य चुकाना बुद्धिमानी नहीं है महाराज। मूल्यवान आप हमारे नाना हैं, हम आपका आदर करते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि आप राज्यसभा के अनुशासन और शिष्टाचार का उल्लंघन करें। क्षमा राजन, भविष्य में इसका ध्यान रहे।
जो आज्ञा लंकेश। इंद्रजीत, विश्वकर्मा को आदेश दो लंकापुरी में जो क्षति हुई है, अग्नि की लपटों से जो हानि हुई है, उसे तुरंत पुनः पहले के समान कर दें। इस कार्य में एक पल का विलंब नहीं होना चाहिए। जो आज्ञा पिताश्री।